PSL 7 पूरे जोशो खरोश के साथ खेला जा रहा है और PSL 7 लाहौर में दूसरे मरहले के मैचेस के लिए भी तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज वीडियो के हम आपको PSL के ऊपर एनालिसिस देने जा रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट। PSL 7 शुरू हो चुके हैं और उसके पूरे 9 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें से कुछ मैच सारी टीमों के सारे मैचेस हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये अखबार पर है PSL 7। आपको एक बात बताऊं, ये देखो अभी मैं बुक सर्च कर रहा था अपनी, तो इसके अंदर से क्या निकला, क्यूबिकल डाइस एक्सक्रेटेड फ्रॉम मोहनजोदड़ो। के पुराने वक्तों की क्यूबिकल डाइस जो आजकल हमारे लूडो में नहीं होती, प्लास्टिक के स्टील की होती है, ये पुराने वक्तों की पत्थरों से बनती होती थी। और ये अ व्यू ऑफ द रुइंस ऑफ मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की हिस्ट्री सारी बताइए इसमें। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है PSL 7, तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं, 9 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं जो कि आजकल बहुत अच्छे जा रहे हैं। PSL की रेटिंग इस बार बहुत अच्छी जा रही है, पूरी दुनिया के अंदर ये PSL दर्शन किया जा रहा है मुख्तलिफ टीम की तरफ से। पाकिस्तान पर जहाँ पर ज़्यादा देखा जा रहा है वो है द्रास और PTV Sports, एच स्पोर्ट, ए स्पोर्ट, ये चैनल्स पर देखा जा रहा है। और इस बार PSL बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत जोशो खरोश है लोगों में कि PSL इस बार बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो राफी साहब, लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, ये भी तो बताएं हमें। फ्रेंड्स, मैं आपको पता नहीं लगा था, लाहौर कलंदर की जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी जा रही है। उसने 3 मैचेस खेले हैं जिसमें 1 मुल्तान सुल्तान की तरफ से हार गए हैं और 2 जीते हैं, 1 कराची किंग्स को हराया है और 1 पेशावर ज़ल्बी को हराया है। और उनका जो स्कोर मार्जिन था ना, वो बहुत अच्छा था। जब लाहौर खेल रहा था मुल्तान सुल्तान के साथ, उन्होंने टोटल किया था 207, मतलब 207 रन्स, बहुत अच्छा खेलते पकड़ समान ने, 77 स्कोर मारा था। नेक्स्ट मैच हुआ उनका कराची के साथ, जो मुल्तान सुल्तान के साथ जो मैच था ना, वो 207 रन चेस हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट मैच हुआ कराची किंग्स के साथ, जो लाहौर कलंदर ने टॉस जीकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। उसके बाद जब बॉलिंग की तो कराची किंग्स ने सिर्फ 171 रन ही बना सकी और लाहौर कलंदर ने इजीली वो रन चेस कर ले। उस मैच के अंदर फखर जमान ने 100 सेंचुरी मारती 60 बॉल्स के अंदर, वो मैच पाकिस्तान ने विन किया। और कल रात को मैच हुआ था, मैं देख रहा था, मैंने सारा मैच देखा था, लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी। आपको मैं बताता हूँ, दो पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि आजकल हर टीम कर रही है। और जब टॉस होने के बाद शहीद चाफरीदी जो लाहौर के कैप्टन है, उनसे पूछा गया कि आप तो टॉस आ रही हैं तो ये टॉस मैटर करता है, कहता हमारे लिए टॉस मैटर नहीं करता, हमारे लिए एफर्ट मैटर करती है। तो मतलब ये कि टॉस से कुछ नहीं हो सकता, जो आप खेलेंगे वही होगा जो दूर होगा। तो ऐसे वह चलता गया, पहले लाहौर कलंदर ने बॉलिंग की। मैं आपको बता रहा था पहले दस आपको बताता चलूँ, जो पहला आवर था उसके 12-13 रन गए। उसके बाद जो 10 आवर थे, फखर जमान ने 66 मारे और 7 अब्दुल्ला शफीक थे, जो बड़ी क्लीन स्ट्राइकिंग करते हो। जो लास्ट टाइम जो टेस्ट सीरीज हुई थी पाकिस्तान की, किसके साथ हुई थी, वेस्ट इंडीज़, तो उसके खिलाफ वेस्ट इंडीज से पहले बंग्लादेश के साथ टेस्ट पे आए थे, वेस्ट इंडीज के साथ तो T20 हुई थी। तो बांग्लादेश में उन्होंने कैच बड़ा अच्छा पकड़ा था और बहुत अच्छी बैटिंग की थी, उन्होंने सेंचुरी भी बनाई थी। तो उन्होंने आज हमें T20 क्रिकेटर का होने का बता दिया कि वो T20 भी अच्छा खेल सकते हैं। उनके इतने अच्छे अच्छे छक्के थे, सीधे बैट से खेल रहे थे और छक्का जा रहा था, ये बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान अगर ऐसे खेलते गए तो पाकिस्तान के लिए एक और अच्छा T20 प्लेयर मिल सकता है। उन्होंने 41 बनाया। राफी साहब, पॉइंट्स टेबल पर क्या पोजीशन है, ये भी बताएं। पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन ये है कि जो नंबर 1 पर टीम है मुल्तान सुल्तान, उन्होंने अपने 4 मैचेस खेले हैं, कोई भी नहीं हारे और उनके पॉइंट है 8। सेकंड नंबर पे लाहौर कलंदर, जिनके 4 पॉइंट है, 1 हारे हैं, 2 जीते हैं, 3 टोटल खेले मैचेस। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड है, उनके 2 पॉइंट्स हैं, 2 मैचेस खेले हैं, 1 जीते हैं। और
उसके बाद क्या आती है पेशावर जलमी, उन्होंने भी दो खेले हैं, एक जीते हैं, और एंड पे आती है कराची किंग्स जिन्होंने नहीं कराची किंग्स तो बाद में थी, कोटा कोटा ग्लैडिएटर जो है वो चौथे नंबर पे है, और जो पेशावर जलमी है वो पांचवें नंबर पे है, और जो छठे नंबर पे है वो टीम है कराची किंग्स। थोड़ा ओलंपिक हो गया, ये PSL में चल रहा है, बहुत अच्छे मैचेज हो रहे हैं। सेकंड जो फेज लाहौर में होगा उसके हवाले से क्या न्यूज़ है? यहाँ पर देखें, अभी आपका हमने कैमरा में दिखाया था PSL 7 लाहौर में दूसरे मरहले के मैचेस के लिए तैयारियां अरूज पर। कजाफी स्टेडियम की तज़ीनो आराइश जारी, ग्राउंड के तरफ में इजाफी लाइट्स, डस्ट पार्किंग के इंतजाम फाइनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे रहे। और कमेंट्स में हमें बताइएगा आपकी टीम, आपकी PSL 7 में फेवरेट टीम किस टीम को सपोर्ट करें। पर्सनली मैं तो लाहौर कलंदर को सपोर्ट करूँ, क्योंकि मैं भी लाहौर कलंदर जो जीत रहा है, बाय फ्रेंड, अल्लाह हाफिज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे ही हम दूसरे मैचेस भी आपके दूसरे मैचेस की एनालिसिस करेंगे अगले साथ साथ लाहौर के अंदर नहीं बाकी मैचेस भी लाहौर के अंदर तो नहीं, आज जो मैच है वो है याद नहीं मुझे। तो बस अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।